माय यूट्यूब चैनल और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, मैं फिर भी व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन है। कल है मेरा बर्थडे 23rd, तो मैंने इस बार सोचा कि मैं अपना बर्थडे इस बार ना अपने लिए मतलब सोशल मीडिया से हट के थोड़ा जीना चाहती हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। तो या मैं कल सुबह उठूँगी, मैंने सोचा है सबसे पहले नहाऊँगी, पूजा करूँगी, जो मेरा मन करेगा वो कुक करूँगी और प्रसाद बनाऊँगी हलवा, ऐसा सोचा है मैंने। और एक्टिव नहीं रहूँगी मैं, एक्टिव बहुत लेट आऊँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ इस बार सोशल मीडिया से थोड़ा हट के, कि देखते हैं लेट्स सी कैसा होता है वाला बर्थडे। तो स्टे ट्यून एंड विश मी हैप्पी बर्थडे इन कमेंट बॉक्स। मेरी आवाज़ कमाल की बात पता है क्या है, मैं ना सैटरडे वाले दिन ही पैदा हुई थी और इस बार जो बर्थडे है वो भी सैटरडे में है, तो या अच्छा तो होना ही चाहिए। लेट्स सी Happy birthday to you, happy birthday to you। आग खोल दी पटाखों में लाओ, मौज कर दिया। Happy birthday कोको भाई, happy birthday। चला बोल मेरी प्यारी नागिन। उठ जा बहन, गुड मॉर्निंग हो गई, सुबह हो गई। अरे ये क्या रखा है सिर पे, इस चॉकलेट का डिब्बा। देख गर्ल अभी आ रही है, साथ में बाहर फोटो क्लिक करेंगे अपन। चल आ जा, कहाँ जा रही है तू, कहाँ जा रही है, यहीं बैठ के फोटो खिंचवाएंगे, उधर खिंचवाएंगे ना। तो बर्थडे गर्ल, बर्थडे गर्ल आगे भेज इसे पहले, इसके आंख पे वो कर दे ना। कुछ मत कर, चलने अरे यार आ जाओ बर्थडे गर्ल, आंखें मूंदती हुई अपनी, सब लाइन में ऐसे आ रहे हैं। ब्राइड की होनी होती है एंट्री। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, ओह माय गॉड, शी हेट ब्राइड। पप्पी गिफ्ट लेके आ रही है तो मैं तो गिफ्ट है ना, तो मुझे दे दिया दुनिया। नाली में इसे नाली में गिरा दे, यहाँ पे बर्थडे हो जाएगा। वीडियो किसकी बना रहा है, चलती रहे तो सही। कोई है दिव्यांशी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हो जाए इसका, चलो गुरुद्वार के सामने ही। पार्टी बुला लिए क्या, रखती पार्टी बुलाए हैं क्यूट सरप्राइज फॉर यू बर्थडे गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। I made it for you. Seriously, I made it for you. वो तो सही में पीछे रह जावे हमारे। बहुत flowers वगैरह इकट्ठे करके। यार मतलब तुझे सच में, मुझे तो ऐसे gifts बहुत अच्छे लगते हैं हाथों से बनाए हुए। तो अच्छा तो है, रख तो नहीं हूँ ढंग से, इसमें मिल लो। Pink girl. क्या? आपकी परिकल्पना था, रुक जाइए।
ये हमारी बर्थडे गर्ल, और यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, पापा पूछ रहे हैं कि कौन क्या बर्थडे गिफ्ट हो सकता है इसमें। हिमांशी हिला हिला के काफी देख रही है गिफ्ट को। गुड़िया तो नहीं पता नहीं क्या देख ले वजन के हिसाब से आता है। क्या है एक तरफ से खाली तो ना है, रुक जाओ रुक जाओ, खाली तो ना है, पर वैसा नहीं। Happy birthday to dear Divyansh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. इधर दिव्यांश की बर्थडे के फर्स्ट इस वाला हल्का हुआ है। चलो ऐसा एक फोटो खिंचाओ, आ जाओ। फोटो सेशन हो रहा है अभी, बाबा जी सोच रहे हैं मेरा बाहर आधे 12 बजे पागल बनाते रहे। ये है हमारे दादी दादा, अभी ढके पड़े हैं ठंडी के। ये सुनो, अम्मा बाबूजी जो है गिफ्ट के साथ साथ खुद को भी पैक करके आए हैं रैप। अम्मा ने अपने मतलब का केक कटवाया है, वो वाला तो वो खाएंगी तो मावे गई। ये हाथों से खाती आती है हमारे घर में सबसे छोटे सदस्य की बारी। मुझे लग रहा है पूरी बेंच उठा के लेके जा रहा है बली। मेरे हाल की बेंच ही बहुत भारी है। वैसे तो सारे चूज रात नहीं किए हैं गिफ्ट्स। इतने पटाखे की आ रही है। केक में पटाखे की स्मेल। सो अब ये है दिव्यांश के लिए, धीरे-धीरे सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं। रुक जाए इतना देख ना। सारे गिफ्ट सेट करने दे रात को, जो वो गिफ्ट्स खोलते हो मजा आएगा। फिजिकल टू एप्पल दिल पे ले ली करने वो सही जी कह रहे हैं। ईट वाच टू एप्पल बने दी कॉस्ट टू एप्पल गिफ्ट में ईट ईट पैक करके लानी थी। इधर क्या बहुत पटाखे फूट सब सरप्राइजेस हो रहे हैं। सो ये है दिव्यू की गिफ्ट। अब होगी गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, और इसको बहुत अच्छा लगा। दिव्यांशी दिव्यांशी कैसा लगा सरप्राइज? मस्त था, बहुत बढ़िया। So it's your 23rd birthday. भाई फूट जाते आया है तो सब दिल खाएंगे दिखाना। पता है इन केक्स पे कभी भी मुंह नहीं मारना चाहिए, ऐसे करके जो मारते हैं पता अब चलो केक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्लास्टिक के चम्मच चलाएंगे। पापा जी का ये था, ये तो मम्मी ने दिया। चलो देखते हैं क्या दिया होगा पापा जी ने। जैसे जैसे सब आए वैसे वैसे खोलते हैं।
यार तू पहले एक काम कर, खोल ले तब मैं वीडियो में ले लिया करूँ। पन्नी मार रही हूँ। ये वाले जो गिफ्ट है ना, ये दोनों पापा ही लेके आए, मैं लेके आया, बाकी लाल पन्नी वाले मेरे। ओके, अजब बता रहा है कि दिव्या को कौन खाएगा, मैं तो आंशी को खाऊंगी। आंशी को ये लाया मेरे लिए एग्जाम के लिए। वाह, ये सबसे बेस्ट। इससे ना तू पता क्या किया करना, मेरे एग्जाम्स के लिए। नहीं यार, एग्जाम नहीं, इससे इम्पोर्टेंट कागज हो गए, इम्पोर्टेंट फाइल्स सिग्नेचर किया करना। वाओ, बेस्ट गिफ्ट। अब आती है मम्मी, लक होगा ये तेरे लिए, है ना। अच्छा है, ये दो बच रहे हैं ना, एक को तो दे दिया। लाए तो पापा ही है, बट मम्मी का नाम ये बड़ा छोटे से बड़ों को भी याद रहता है। ओ माय गॉड, दिस इज बेस्ट गिफ्ट फॉर यू। पापा ने सबसे बेस्ट गिफ्ट लाए। दिव्यांशी आप बोल, पापा को तुझे सबसे ज्यादा जानते हैं ना। वाकई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बाबा जी। तो भी है दिव्यांशी के मतलब की चीज है, स्टडी मटेरियल है। रहने दे थोड़ी देर, कांटे लेके आया, कांटे हरानी तो पूरा। आप कौन बचा है बोल, ये सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे तो ये, इसीलिए काम का एकदम लगाना। पता नहीं नीचे जो चार्जर भी है मोबाइल, यहां से भी जल जाएगा देख के चार्ज। लैपटॉप में मोबाइल रखने के लिए स्टैंड भी है, मोबाइल रखने के लिए स्टैंड है, इससे तो अपनी रील्स भी बना सकती है। कैसा लगा दोनों गिफ्ट, कैसे लगे दिव्यांशी? ये दिव्यांशी कह रही है अपने इम्पोर्टेंट पेपर से साइन किया करेगी। लकी पेन रहेगा ये, है एग्जाम का जो साइन नहीं करते शुरू में पेपर, और वैसे भी इम्पोर्टेंट ये किसने दिया है? दादाजी। अच्छा गिफ्ट है, उसे एकदम पसंद आ गया। इतना अच्छा है, उसे एकदम पसंद आ गया। वो दादी ने दिया है। वाओ, दादी ने भी अच्छा दिया। बहुत अच्छा बैग है। रजत कुल मिला के सब चीजें लाया है नंबर। पर रजत ना, मैंने देखा है गिफ्ट्स बहुत अच्छे लाता है, मतलब क्यूट क्यूट से। मैं देख रही थी ना, नहीं पापा जो लाए वो तो है ही बेस्ट, मैं इसकी बता रही हूँ, इसके क्यूट होते हैं इसके गिफ्ट्स। अच्छा, पापा का तो सबसे बेस्ट है, इसके काम आएगा अच्छे से। चॉकलेट है दिव्यांश ने, चॉकलेट है देखा, एक्सपीरियंस। ओ पता कर लिया लड़की ने, कोई बात नहीं खाऊंगी मैं ये। अब ये तुम्हारे दीदी, ये शायद हिमांशी का, देखते हैं। देखेंगे अभी, खुलने के बाद पता चलेंगे। ये लापता है, ये हम में किसी के है, पता चल जाएगा। ये हिमांशी ने दिया है, ये तो जो पसंद आया था ना लोअर, ये भी बढ़िया है, ये मैच कर रहा है। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब ये ये क्या है, ये किसने दिया है? ये भी हिमांशी का है, ये भी हिमांशी का, देख लो। हाँ, ब्लू वाला ये है, नाइट ड्रेस दिखाना, थोड़ा सा चलो ये पहन के ही दिखाना तू, है ना, पीछे जाके झाड़ियों में चेंज करके एक बार दिखाना इसको आगे से थोड़ा लुक। ये थोड़ा है, ये किस कलर में है? बेयर कलर में ही है, पूरा नाइट सूट है ये। अब देखते हैं मैंने क्या दिया है। खोल के देखना पूरे, बता रही हूँ वैली पूरी दिख रही हूँ। ये भी नाइट सूट है क्या? हुडी इट्स कैलिफोर्निया। ये भी बढ़िया है, दोनों भाभी मैचिंग मैचिंग के लाइन। नहीं मुझे पता नहीं था मैचिंग इस कलर के मंगा रही, बताया तो था उन्होंने मुझे। देखो ये देखो, पता नहीं देख ले, एक्सपीरियंस बोल रहा है, एक्सपीरियंस बोल रहा है। मेरे और जीजू के गिफ्ट एक है, एक साथ में है। क्या है?
हम नहीं मिल के लिए, हमारे तो मिल के ही होते हैं। क्या मुझे तो बताने वाली बात है, एक गिफ्ट मेरा ऊपर रखा है, वो मैं ऊपर जाके दूंगी, मैंने पहले ही मंगा लिया था और मैं पैक नहीं कर पाई उसको, इतना टाइम नहीं मिला मुझे। वो ऊपर जाके पता चल गया, गलत हो सकता है तेरा एक्सपीरियंस। लिख के ले ले शूज, ये शूज ही है, लिख के ले ले। मतलब मैं पैकिंग, अच्छा बता कौन सी ब्रांड के है? पूमा। पूमा, पूमा दिख गया तुझे लिखा हुआ। ये है दिव्यांशी के फेवरेट शूज, जो कि वो बहुत टाइम से मुझे लेने को बोल रही थी। दिखाना जूता, एक जूता। तेरे मार के दिखाऊ, मैंने बोला जूता तेरे मार के दिखाऊ। कैसा लगा दिव्यांशी? बढ़िया, तेरे फेवरेट थे, तुझे काफी टाइम से चाहिए थे, तो तेरी पसंद नजरअंदाज नहीं की गई। ये देख मुझे कितना एक्सपीरियंस है। ओके इसमें ये अब हिमांशी की है। अरे इसको तो सब पता है पहले से। या मैं तो केक खा रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, मैं केक खाऊं। आ जाओ पतिदेव, पतिदेव आ जाओ। सही से निकल रही है, बस एक पापा जी की सस्पेंस। सिर्फ पापा का गिफ्ट नहीं पता चला दिव्यांशी को, अब तक सबके बता दिए इसने। तो ये ट्राउजर भी नहीं लगा था। अब ये और रजत का बच्चा, अब ये रजत को बुला लो के ज्यादा। इसमें भी ये चॉकलेट, इसमें भी चॉकलेट है। ये मानसी को पता है, उसकी भाभी खाती है तो खा लेंगी वो भी। मैं भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं, तो एक डिब्बा मुझे दे देना। एक बार भी झूठ में नहीं बोल रही, दे दूंगी। रजत आजा तेरे गिफ्ट। ये जो नीचे काटे वाले, अरे यार बड़ा डर लग रहा था मुझे, सांप वाप ना हो। मन कर रहा था मेरे लिए, आइडिया आ गया था मेरे दिमाग में, तो मैंने सोचा कुछ हाथों से भी करते हैं। कमाल, इन्हें सुखा के अपने वार्डरोब में रख लेना बिछा के, वरना मारूंगी बॉल। चलो वीडियो बन रही है, कुछ तो करो। अब ये फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजार में नीरज बेटा है, रानी बिटिया बड़ी हो गया। There is one more gift for you baby and this is unpacked. तो तुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, देख ले। अरे वाह, ये है दिव्यांशी के लिए बूट्स, जो कि इसके काफी उस पे चलने वाले हैं। इसके पास एक ब्राउन, जो कि वेडिंग में लिया था ना, ब्राउन कोट है फुल, और ये जो मैंने ये दिया ना, इससे भी मैच कर रहा है। देख देखना यार, एक के बाद एक चीज है। अच्छा रात ने एक और गिफ्ट दिया, अच्छा फोन का कवर, सब कुछ आईफोन से रिलेटेड लाया। ये एक शर्ट है, मैंने तुझे शूज दी है, दोनों शूज से गालों पे मारूंगी पहले। मेरी भी शर्ट ले लू वापस, ले लू ना दिव्यांशी, ले लू। इतने बेस्ट है यार, इसकी पसंद की दवाई। पहले तो मैं कहता ना, दूसरे को चलो फर्स्ट गिफ्ट क्या हो सकता है? ये काम की चीज है, मेरे पास क्या है? ओह माय गॉड, सेकंड जनरेशन आईफोन की ईयर बड्स, ईयर बड्स नहीं, आईपॉड्स, ईयर बड्स बोल रही हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। ईयरपॉड्स, ओह माय गॉड, वो क्या है छोटे छोटे यार, मुझे नहीं लाता ऐसे गिफ्ट, अब मैं चिढ़ूंगी। तुझे दे तो दिए, मेरी तो सबसे महंगी थी। यही तो है यार, तूने एकदम खोल दिया है तो छूट। एप्पल, एप्पल वॉच, दिखाना दिखाना तो प्यार की हाथ। मैंने करा दिया, कराटे काट दिए लड़के ने, दिनवाटे। हेलो एवरीवन, विश मी हैप्पी बर्थडे। तो आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, मैं सुबह सुबह नहा धो ली हूँ, अब मैं जल्दी जल्दी ना पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि राहु काल लग जाएगा
और हमारे घर जब राव का लग जाता है तो उस टाइम पूजा नहीं करते क्योंकि बोलते हैं कि अपोजिट हो जाता है। तो जो भी है फिलहाल मैं पहले जल्दी जल्दी पूजा करके आती हूँ, देन आई विल टॉक टू यू। तो मेरा लुक जो है वो ये है फिलहाल अभी तक, क्योंकि अभी मैं लेट हो रही हूँ, पूजा करती हूँ देन मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ अपना बर्थडे लुक। स्टे ट्यून। तो महादेव से ब्लेसिंग्स ले लिए हैं, अब हम जाएंगे नीचे वाले मंदिर में, वहाँ पूजा करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे क्योंकि पाठ होगा, पाठ बोला था मम्मी ने तो पाठ होगा, तो लेट्स गो चलते हैं अरदास में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी, बोलो वाहेगुरु जी। You are yet to be able to see.